हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1995 की गैरी कास्परोव और विश्वनाथन आनंद की वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट की गेम है। और जैसा कि हम सभी भारतीयों के साथ है, विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव की गेम्स तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अवेटेड होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विश्वनाथन आनंद ने e4 के साथ, तो गैरी कास्परोव ने सिसिलियन डिफेंस को चुना c5, नाइट f3, d6, d4, c takes d4, नाइट takes d4, नाइट f6, नाइट c3, a6। यहाँ कास्परोव ने गेम को सिसिलियन डिफेंस के स्कैनन विंगन वेरिएशन में ट्रांसपोज कर दिया, बिशप e2, e6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया बिशप e7, a4। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा अपने इस डेवलपमेंट को कम्प्लीट करने के लिए। तो नाइट c6, बिशप e3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया f4, क्वीन c7, किंग h1, रुक e8, बिशप f3, बिशप d7, नाइट b3, नाइट a5, नाइट एक्सचेंज का ऑफर जिसे आनंद ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स a5, क्वीन टेक्स a5, क्वीन d3। फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में ब्लैक की पोजीशन काफ़ी क्रैम्प्ड है, रुक d8, रुक d1, बिशप c6। और यहाँ आनंद ने किया b4, क्वीन पर अटैक बनाया, या फिर दूसरे शब्दों में अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन यहाँ कास्परोव इस पॉन को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक करता है क्वीन टेक्स b4 तो उसके बाद रुक b1, और अब ब्लैक की इस क्वीन को जाने के लिए सिर्फ a5 स्क्वायर, लेकिन उसके बाद बिशप e6, और अब ब्लैक की क्वीन यहीं ट्रैप हो जाएगी और साथ ही ब्लैक के इस रुक पर भी टारगेट लगेगा। तो यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन c7, b5। वाइट यहाँ किसी भी तरह से इस बी फाइल को ओपन करवाना चाहता है, और ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस को यहाँ मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक ये पॉन एक्सचेंज भी करता है a takes b5, तो उसके बाद a takes b5, और फिर वही ब्लैक को यहाँ अपना बिशप मूव करना होगा b7 स्क्वायर पर। तो यहाँ कास्परोव ने पहले ही किया बिशप d7, तो रुक b1, और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक के लिए आई थिंक रुक को c8 स्क्वायर पर करना ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ ऐसा होने के बाद ब्लैक का अटैक इस पूरी सी फाइल पर रहता। और अब यहाँ आनंद क्या करते, वे यहाँ करते b takes a6, और अब इस नाइट की डिफेंस के लिए वाइट को यहाँ अपने रुक को लगाना होता b3 स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ कास्परोव ने किया a takes b5, नाइट takes b5, बिशप takes b5, क्वीन takes b5, रुक a8, तो c4 e5 पॉन एक्सचेंज का ऑफर। लेकिन उससे पहले बिशप e6 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन c8, f takes e5, d takes e5, a5, बिशप f8, h3, क्वीन a6। और फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लगा कि वाइट अपने सी पॉन को आगे पुश करेगा, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से आनंद ने अपने रुक को d5 स्क्वायर पर प्लेस किया, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ब्लैक को मेटीरियल एक्सचेंज अप हो जाने का ऑफर दिया। कास्परोव ने इसे एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स d5, e takes d5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन g6। फ्रेंड्स, यहाँ अपने रुक को नाइट के बदले में देने के बाद वाइट को क्या हासिल हुआ? यहाँ वाइट के पास ये डी फाइल पर एक क्लियर पासर आ चुका है, जो कि सी पॉन के साथ कनेक्टेड भी है। हालांकि ब्लैक के पास भी ये ई फाइल में एक पासर है। कि आप इस पोजिशन को मेटीरियल वाइज तो ब्लैक के फेवर में कहेंगे, लेकिन पोजिशनली क्लियर यहाँ आनंद आगे चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया c5, e4, बिशप पर अटैक, तो बिशप e2, रुक e5, और ये रुक e5 काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ वाइट अपने इस डी पॉन को तो आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ ये c5 पॉन पिन है, और अब वाइट को यहाँ कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा इस d5 पॉन की डिफेंस का। और ऊपर से आनंद की यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि अगर आनंद ने यहाँ अपनी क्वीन इस बी फाइल से कहीं किसी और स्क्वायर पर मूव की, तो ब्लैक अगले मूव में इस ई पॉन को आगे पुश करके इस रुक पर डिस्कवर्ड अटैक बनाएगा। तो आनंद ने यहाँ किया क्वीन d7, रुक g5, g2 पॉन पर अटैक, तो रुक g1, e3, d6, रुक g3, क्वीन takes b7, रुक पर अटैक। और फ्रेंड्स, यहाँ ऑल ऑफ अ सडन गेम की सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यहाँ कास्परोव ने किया क्वीन e6। शायद फ्रेंड्स, यहाँ कास्परोव को अपने इस रुक को कहीं बचा लेना चाहिए था, लेकिन अगर वो यहाँ ऐसा करता है तो वाइट को यहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली अपने किसी एक पॉन को क्वीन पर म्यूट करने में। लेकिन आखिर कास्परोव ने किन कैलकुलेशंस के साथ अपने क्वीन को e6 स्क्वायर पर प्लेस किया? फ्रेंड्स, यहाँ वाइट का एक किंग ऑलमोस्ट स्टेलमेट पोजीशन पर है। यहाँ ब्लैक की स्ट्रेटेजी है कि अपने रुक से वो इस h3 पॉन को लेगा और वाइट को एक चेक देगा, और जैसे ही वाइट यहाँ इस पॉन से रुक को लेगा,
ब्लैक अपनी क्वीन से एक और चेक देकर वाइट को यहाँ आराम से चेकमेट कर सकता है, लेकिन उसका यहाँ काफ़ी सिंपल डिफेंस है। आनंद ने यहाँ किया किंग h2 और यहाँ अब इस किंग h2 को मूव के बाद गैरी कास्परोव ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक चाहे कुछ भी करे उसे यहाँ अपना एटलीस्ट एक रुख तो ज़रूर गंवाना होगा। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की इतनी इंपॉर्टेंट गेम में अगर आप एक रुख डाउन हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बेहतर होगा कि आप रिज़ाइन ही कर दें, क्योंकि उस गेम को आप आगे नहीं खेल सकते। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।